डेंगू के संक्रमण मुख्य रूप से संक्रमित एडीज मच्छर सब के काटला से होला, खास तौर पर एडीज एजिप्टी आ एडीज अल्बोपिक्टस सब के काटला से। डेंगू बुखार फ्लेवी वायरस जीनस के सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस सब के कारण होला, खास तौर पर डेंगू वायरस डीएनवी 1, डीएनवी 2, डीएनवी 3 आ डीएनवी 4 के चार गो सेरोटाइप सब के कारण। हर सेरोटाइप अपना जीनोम के लगभग 65% हिस्सा बाकी सेरोटाइप सब के साथ साझा करेला, फिर भी एक ही बीमारी आ लक्षण सब के रेंज पैदा करेले। एक सेरोटाइप के संक्रमण से ओ विशेष सेरोटाइप के अस्थाई प्रतिरक्षा मिलेला बाकी सेरोटाइप सब के ना। उदाहरण खातिर डीएनवी 1 संक्रमण से ठीक होखे वाला व्यक्ति आगे डीएनवी 1 संक्रमण से अछूता होखी बाकी डीएनवी 2, डीएनवी 3 आ डीएनवी 4 संक्रमण के शिकार होखी। बाद में अलग अलग सेरोटाइप सब के संक्रमण से व्यक्ति सब के गंभीर रूप सब जैसे कि डेंगू हेमरेजिक बुखार डीएचएफ आ डेंगू शॉक सिंड्रोम डीएसएस के ढेर खतरा हो सकेला। कुछ अध्ययन से पता चलल बा कि कुछ खास सेरोटाइप जैसे कि डीएनवी 2 अवरी डीएनवी 4 के चलते बाकी से ज्यादा गंभीर बीमारी होखेला। एकरे अलावा संचार में कोनो विशेष सेरोटाइप के मौजूदगी डेंगू के प्रकोप के समग्र गंभीरता पर प्रभाव डाल सकेला। डेंगू बुखार के संकेत आ लक्षण के बारे में जाने खातिर हमनी के अगला वीडियो देखी।